Modern Classes Online Study Channel. Press the bell. कैसे आप सब लोग, माई सेल्फ चेतन प्रकाश, वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है HCU की? मुझे उम्मीद है आपकी अच्छी चल रही होगी, मेहनत कर रहे होगे आप। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, हर समय आपके साथ रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, हमने मैंगो को कवर कर लिया था दोस्तों। फ्रूट साइंस में हमने पोमोलॉजी शुरू की हुई है, जो उसमें मैंगो को तो कवर कर लिया था। अब हम बनाना की वीडियो बना रहे हैं, ठीक। बनाना का जो मैंने मेन से पॉइंट्स है वो सारे मैंने इस पर लिख दिए हैं। यहाँ से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप साथ साथ नोट कर लो। मैं अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सभी चीज़ें। दोस्तों पेशेंस रखिए, मेरी हर एक वीडियो आप देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें मैं करवाता हूँ। और यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर डी स्मॉल आएगा क्योंकि स्पीशीज नेम स्मॉल आता है अकॉर्डिंग टू रूल। दोस्तों रूल के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना आज हम बनाना को डिस्कस करेंगे। बनाना का जो बॉटनिकल नेम है वो है मुस्सा डोमेस्टिका, ठीक। और इसकी जो फैमिली है वो है मुस्सेसी फैमिली है। बनाना का जो नेटिव प्लेस है वो है साउथ ईस्ट अफ्रीका एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो बनाना का ओरिजिन हुआ है, ठीक। बनाना की जो, बनाना में पता होगा आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। और इसमें तो जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा बनाना में ही होता है। तो बनाना आपके लिए, मतलब कि डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं बनाना, ठीक। तो बनाना की कैलोरीफिक वैल्यू है जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी है 67 to 137 पर, मतलब कि 100 ग्राम के फ्रूट में अगर इतना, मतलब कि इतना, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है पर 100 ग्राम होता है ये कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, और इंडिया में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें बनाना का कंट्रीब्यूशन है 31.72%। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी बनाना की कहाँ पर पाई जाती है? अब दोस्तों एक प्रोडक्शन होता है दोस्तों, एक प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार। प्रोडक्शन तो होता है दोस्तों टोटल प्रोडक्शन, जितना एरिया है, मतलब एरिया, जितना एरिया पर। प्रोडक्टिविटी होता है कि पर हेक्टेयर में उसकी कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। समझ गए हो गए आप? समझ गए हो तो कमेंट करना जरूर, कमेंट करके बताना सर समझ आया, नहीं समझ आया तो दोबारा समझा दूंगा। तो इसकी प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी दोस्तों डिफरेंट होती है, रिचर्ड सोर्स ऑफ पोटेशियम मैंने आपको बता दिया। बनाना को हम, मतलब कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट है बनाना एक, मतलब कि इसको हम पका सकते हैं, मतलब कि ठीक इथाइलिन से, हम आपको पता होगा इथाइलिन ट्रीटमेंट देते हैं पकाने के लिए। और बनाना एक, मतलब कि अपना, मतलब कि एक ही लाइफ में एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो बनाना की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखते हैं आगे, बनाना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया पता होगा। और बनाना है वो ट्रिपलोइड वैरायटी है, ठीक। बनाना 3N होता है, पेरिनियल है, हर्ब है, और नो मतलब वुड नहीं होता। पता होगा आपको कि कई बार क्वेश्चन भी आता है GK में कि ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसकी लकड़ी नहीं होती, वो बनाना होता है, ठीक। बनाना की कोई लकड़ी नहीं होती, ये मतलब कि हर्ब में लिया जाता है, ठीक। बनाना की गोल्ड फिंगर एक वैरायटी होती है उसकी, वो टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है 4N, ठीक। वैसे 3N होता है ये, एक 2N भी वैरायटी भी होती है इसकी, जो लेडी फिंगर वैरायटी होती है वो 2N होती है, ठीक। और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए बनाना को अगर प्रोपगेशन करना है कमर्शियल लेवल पर, वो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। सोइल की pH आपकी इतनी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक सी, थोड़ी थोड़ी एसिडी, मतलब कि 7.7 के आसपास, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन शक्कर से और कोरम से होता है, शक्कर से निकल जाते हैं, शक्कर आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने 10th में। पर्थोनिकॉर्पिक फ्रूट है दोस्तों बनाना, मतलब कि बनाना का कोई सीड नहीं होता, ठीक। मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये बनता है फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ये। और बनाना को स्टोरिंग के लिए दोस्तों टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसका स्टोरिंग टेम्परेचर 13 डिग्री होना चाहिए। अगर आप 13 है, अगर आप 13 डिग्री से कम पर इसको स्टोर करेंगे तो बनाना क्या होगा, वो ब्लैक सा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप फ्रिज में आप बनाना को रख देते हो और देखते हो कि एक दिन के बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो टेम्परेचर का इसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखा जाता है, 85 से 95 की इसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी वैरायटी की बात करें तो कैवेंडिश वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है दोस्तों इसकी। रोबस्टा है, ठीक, ग्रैंड नैनी है, रस्थली है, पुवन है, हिल बनाना है, रेड बनाना है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक। वैरायटी आप नोट कर लीजिए, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट पेस्ट देखते तो राइजोबियम वीवल, तो आप इनको नोट कर लीजिए, स्यूडोस्टैम वीवल, एफिड, नेमेटोड, इसके जो है वो इंसेक्ट पेस्ट है। अब डिजीज़ देखें तो बनाना की वो डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ हो गया,
ठीक है, फंगल डिजीज कौन कौन से, इसकी वो है सिंगटोका, लीफ स्पॉट, ठीक है, सिगार एंड रोट, पनामा विल्ट, इसकी फ्यूजरियम ऑक्सीस्पोरियम में फंजाई होती है वो इसको क्यूज करती है पनामा विल्ट को, बैक्टीरियल डिजीज इसकी है वो है मोको डिजीज, बैक्टीरियल विल्ट, वायरल डिजीज इसकी वो बंची टॉप, मोजेक, क्लोरोसिस, तो इसकी ये डिजीज ही है। दोस्तों ये थी दोस्तों बनाने की वीडियो को, मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जो यहां पर आपको लाल बटन दिख रहा है इस पर आपके टच कीजिए, यहां पर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और यहां से जो नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन कर लीजिए और यहां से सारे जो नोटिफिकेशन है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, डब पर भी फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर पोस्ट किए हुए हैं, यहां पर मैंने पोस्ट करता रहता हूं, देखना मेरी फेसबुक की ये प्रोफाइल है, यहां पर भी देखो मैं कई जगह एक्टिव हूं, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं सभी चीज़ें डालते रहता हूँ। मैंगो की वीडियो आप देख लीजिए, मैंगो को मैंने दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ वो शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप जल्दी से उस चीज़ को ग्रैसअप किया जाए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता समझाने में, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू, अगली सिट्रस की वीडियो में मिलते हैं।